यूपी की सियासत में हर रोज अजब गजब कारनामे हो रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद रामचरितमानस का विरोध करते हैं, फिर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास पर लखनऊ में हमला होता है। स्वामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है, और जब संगठन के स्तर पर स्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो लगता है कि अखिलेश यादव का आशीर्वाद स्वामी को हासिल है। तभी तो समाजवादी पार्टी के नेता ऋचा सिंह और रोली तिवारी अब मानस पर छड़ी सियासी महाभारत का शिकार हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सपा ने अपने ही दोनों शहरों को पार्टी से बाहर निकालने का फरमान जारी कर ऐलान कर दिया कि स्वामी के सम्मान में अखिलेश मैदान में। अब इस हालात में पार्टी से भी आबरू होकर निकाली गई ऋचा सिंह के क्या ख्यालात हैं, वो भी सुनिए। अब आप इसका जो है ये तो स्पष्ट उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी जो कि लोहिया जी की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, आज धार जाति के भेदभाव के आधार पर मेरा निष्कासन कर दिया गया है। मैं इस देश की आधी आबादी से आती हूँ, जहाँ पे लगातार आधी आबादी के नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं, वहीं पे आधी आबादी के जो है नुमाइंदगी करने वाली दो महिला नेताएं जो कि मुखर थी, जो कि संघर्षरत थी। मैंने आज तक पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कोई अनुशासनहीनता का काम नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे पार्टी का निष्कासन किया जाना पार्टी के द्वारा, ये मेरे लिए स्तब्ध कर देने वाला है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस देश के और इस समाज के दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आधी आबादी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। दरअसल रोली मिश्रा और ऋचा सिंह लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर विरोध में मोर्चा खोले रखा था। ट्विटर पर लिखे सियासत की स्याही से एक एक बोल सपा नेताओं को बगावत की बानगी लग रहे थे। तभी तो ऋचा और रोली का स्वामी प्रसाद पर हमला करना पार्टी को नागवार गुजरा और दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस तरह के एक्शन से अखिलेश यादव ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज उठाने वाले का यही अंजाम होगा, साइकिल की सवारी नसीब नहीं होगी। वही हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजूदास भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, क्योंकि स्वामी के साथ उनकी हाथापाई की खबर सुर्खियां बन रही है। आप देख सकते हैं कि जो राम की बात कर ले, जो रामचरित मानस की बात कर ले, जो सनातन संस्कृति की बात कर ले, जो हिंदू की बात कर ले, उसको अखिलेश यादव पार्टी से बाहर कर देते हैं। अब यही बात तो गंभीर है, सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, निर्मला प्रसाद के द्वारा नारी सम्मान की बात होती है, लेकिन उसके पार्टी में जो सनातन की बात कर दिया उसको पार्टी के बाहर के रास्ता दिखा देते हैं। भाई रोली तिवारी, ऋचा सिंह, यही ना कहा कि हाँ संतों का सम्मान होना चाहिए, रामचरित मानस का सम्मान होना चाहिए। ठीक है हम राजनीति करें, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के चक्कर में हम रामचरित मानस किसी दल का है क्या, किसी एक पार्टी का है क्या, किसी एक व्यक्ति का है क्या? रामचरित मानस तो समस्त हिंदू जनमानस का है। भगवान राम सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं। भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए, भगवान राम को गाली दी जाए, यही अपने आप को कहते हैं कि भगवान कृष्ण का वंशज है। जिनके पार्टी के नेता भगवान कृष्ण को गाली दे, जिसके पार्टी के नेता रामचरित मानस की फूकने की बात करे, जिसके पार्टी का नेता गीता की जो है फूकने की बात करे, जलाने की बात करे, प्रतिबंधित करने की बात करे, अगर उस पार्टी के कुछ लोग मुखर होकर ये कहे कि गलत बात है, उसको पार्टी के बाहर की रास्ता दिखा दिया जाता है। खैर ऐसे में सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है जो अब तक स्वामी के बयान को उनका निजी बयान बता रहे थे, और अब इतने आक्रामक हो गए कि स्वामी के बयान का विरोध करने पर अपनी पार्टी के दो नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि स्वामी के सम्मान में अखिलेश मैदान में? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सुना आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी इतनी आक्रामक हो गई कि अपनी ही पार्टी के दो नेताओं को, दो प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था उनका कि उन्होंने रामचरितमानस के विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुटकी ले ली और स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत बताया, क्योंकि रामचरितमानस तो सबका है, हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उन सबका रामचरितमानस है और उसी हिंदू धर्म से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान में खड़े हैं, ये उन्होंने साफ संदेश दिया, और ये संदेश इससे जाहिर होता है क्योंकि दोनों नेताओं को
पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चर्चा की शुरुआत करते हैं, जाफर नकवी साहब हैं मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ। बहुत स्वागत है जाफर साहब आपका। लगता है कोई तकनीकी खराबी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आपसे संपर्क साधने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। तो दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ग्राफिक्स फुल फ्लैश चलाएं। अखिलेश में की सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो नेताओं पर गाज गिरी है। पार्टी की दो तेज तर्रार नेता पार्टी से निष्कासित कर दी गई। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य वजह है इसकी? इसके पीछे बार बार क्या, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इन्होंने ट्विटर पर मोर्चाबंदी कर दी थी। रोली तिवारी मिश्रा और ऋषा सिंह पर गाज गिरी और दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जाफर नकवी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाफर नकवी साहब, सर एक धर्म को लेकर, एक धार्मिक ग्रंथ को लेकर एक पार्टी का एक बड़ा नेता कहता है कि एक धार्मिक ग्रंथ में जो छपाई लिखी है ठीक नहीं है, और उसके बाद उसका विरोध करती है उसी की पार्टी की दो नेता, और उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है। सर आपकी प्रतिक्रिया पहले इस पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस चौपाई को लेकर लगातार टिप्पणी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं कि शूद्र गवार पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आपके नेशनल चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहूंगा कि आपने सर कौन सी चौपाई बताई थी, एक बार दोबारा बताएंगे। शूद्र गवार पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इसी मुद्दे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार सक्रिय है। आपने गलत पढ़ दी सर, पाप लग जाएगा। नहीं सर पाप नहीं लगेगा, सर पाप लगेगा, गलत पढ़ी आपने, मैं बोल रहा हूं। शब्द अर्थ का अनर्थ कर दिया आपने, तो सर देख के भी सही नहीं पढ़ पा रहे आप। जाफर नकवी साहब मौर्य जी कर रहे हैं, देख के भी सही नहीं पढ़ पा रहे आप। ठीक है, अपनी राय बताइए। मौर्य जी कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ताड़ना का शब्द का मतलब है किसी को प्रताड़ना देना, जबकि ताड़ना शब्द का अर्थ है अगर शिक्षा से वो वंचित है तो उसको शिक्षा दी जाए, अगर उसके विकास की बात ना हो पाई तो उसके विकास की बात की जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस चीज को पहले स्पष्ट कर देना चाहिए कि 1947 के गीता प्रेस के प्रकाशन का अर्थ अलग है और वो वास्तविक अर्थ अलग है जिसकी बात आज समाज कर रहा है कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, सभी को सामान्य न्याय मिले, सभी का विकास हो सके। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पहले इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किसी प्रकार के विवादित बयान को देकर हमारे सनातन धर्म के लोगों के साथ इस तरह का कुठाराघात करना बेशक निंदनीय है, अशोभनीय है और साथ ही साथ दंडनीय भी है। ठीक है, यानी कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में बोल रहे हैं जाफर नकवी। बिल्कुल बिल्कुल, स्पष्टीकरण के तौर पर बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को अगर ताड़ना शब्द का गलत तरीके से अनुवाद करके समाज के बीच में गलत मैसेज देना है तो मैं जाहिर तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा से है, ताड़ना शब्द का अर्थ विकास से है, ताड़ना शब्द का अर्थ सामाजिक सौहार्द से है, न कि ताड़ना शब्द का अर्थ किसी को अनादर करने से है, किसी को प्रताड़ित करने से है, किसी को तकलीफ देने से। शायद टीवी के इतिहास में जाफर नकवी साहब पहली बार हो रहा है आज मेरे शो पर कि कोई मुस्लिम धर्मगुरु आकर और खुल के रामचरितमानस के समर्थन में बोल रहा है और कह रहे हैं रामचरितमानस के जो शब्द ताड़ना जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है उसको आपने बाकायदा समझाया है सलीके से। प्लीज प्लीज लेट मी कंप्लीट। हमारे इस्लाम की शिक्षा कहती है लकुम दीनकुम वली दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन तुम्हारे साथ, तुम अपने दीन की अजमत और इज्जत की बात करो, साथ ही साथ दूसरे धर्म की अजमत और इज्जत की बात करो। तो जाहिर सी बात है हमारे इस्लाम की जो शिक्षा कहती है, मैं उस इस्लाम की शिक्षा के अनुसार अपने धर्म की असली जो शिक्षा है वो समाज के बीच लाया जाता हूँ कि तुम्हारा धर्म बेशक तुम्हारी इज्जत के लायक है, तुम्हारे एतबार के लायक है, तुम्हारे सम्मान के लायक है। लेकिन इससे सर सवाल तो खड़े हो रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वही समाजवादी पार्टी के नेता चाहे शिवपाल यादव हो या अखिलेश यादव हो, वो अब तक कहते आ रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, पार्टी इसका इस पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस निजी बयान पर समाजवादी पार्टी की दो नेता खुलकर जब ट्विटर पर बोलती हैं और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करती हैं तो वही समाजवादी पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि निजी बयान नहीं है, वो पार्टी का बयान है, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का बयान, अखिलेश यादव की पार्टी का बयान और स्वामी के सम्मान में अखिलेश मैदान में खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के पास अब कोई अपनी कोई निजी राय लोहिया और जनेश्वर की राजनीति नहीं बची है, ना उनकी नीति बची, ना उनकी जो उन्होंने जिस प्रकार से समाज को जोड़ने का काम किया है, ना वो लोहिया वाहिनी, ना वो लोहिया की सोच के साथ है, ना जनेश्वर जी की सोच के साथ है। वो केवल अब एक समाज को तोड़ के, एक समाज को ये दिला के, एक समाज को ये दिखला के करना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ कुठाराघात होता है। जो हिंदू धर्म आस्था रखता है, जो हिंदू धर्म 100 करोड़ लोगों की आस्था जिस किताब के साथ है,
दो लोग खड़े होकर समाज के बीच में कुठाराघात करने की कोशिश करते हैं, लोगों की आस्था पे उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर दंडनीय अपराध के तहत मुकदमा भी पंजीकृत होना चाहिए, जो देश में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जाफर नकवी साहब, उनका मानना है कि इससे उनका वोट बैंक सदेगा, इससे उनको मुसलमानों के वोट मिलेंगे। देखिए, आप खुद मुसलमान हैं, एक मुस्लिम होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में ऐसे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलकर, रामचरितमानस के खिलाफ बोलकर, क्या मुसलमानों के, दलितों के वोट मिलना संभव है समाजवादी पार्टी को, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता आ रहे हैं बयान दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी के पास अब मुसलमानों का वोट नहीं है। मुसलमानों का मोदी और योगी पे विश्वास है, मुसलमानों को सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पे यकीन है। और जो दलित, ओबीसी और SC ST की राजनीति करने वाले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्या अचानक से एक्टिव हो गए और अखिलेश जी अचानक से एक्टिव हो गए, इन लोगों को ये चीज मालूम है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये 10 सीटों के मोहताज हो जाएंगे, तो इन्होंने सोचा कि एक समाज विशेष को रोश में लाया जाए, उनको बताया जाए कि तुम्हारे साथ किताबों में भी गलत लिखा गया है। तो अगर किताबों के मायने गलत हैं तो उस अनुवादक को पकड़ के पहले मारिए जिसने इसका अनुवाद किया, जबकि सारे धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु, सनातनी धर्मगुरु लगातार इस चीज को बोल रहे हैं कि तारना शब्द का अर्थ है तुम्हें अधिकार देना, तारना शब्द का अर्थ है तुम्हें शिक्षा की ओर लेके जाना, तारना शब्द का अर्थ है तुम्हें विकास की ओर लेके जाना। तो उस तारना का मतलब आप अपने हिसाब से क्यों प्रताड़ित करना कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर दंडनीय कार्रवाई संवैधानिक तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का पहले बयान आया था नकवी साहब, उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है और पार्टी लाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है, साफ तौर से उन्होंने कहा था। और दो दिन पहले लखनऊ में क्या हुआ वो भी हमने देखा, एक निजी होटल में एक निजी टीवी चैनल का एक कार्यक्रम था, उसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्या के दो समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, मार पिटाई हो जाती है सर, धक्का मुक्की हो गई। आदरणीय राजू दास जी के साथ जो किया है वो बेशक निंदनीय है, और जाहिर सी बात है जब आप जीत नहीं पाते क्योंकि आपके पास शाब्दिक अर्थों का वास्तविक अनुवाद नहीं था, तो अब आपने सोचा कि इस तरह से आक्रोशित किया जाए, जनता को मारपीट की नौबत दिया जाए। अगर समाज में विद्वेष फैलाने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है तो मेरी सरकार से मांग है कि समाजवादी पार्टी को बैन करने का समय आ गया है, कि जो समाज में 100 करोड़ की आबादी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, उस पार्टी पे बैन लगना चाहिए। अगर इस सरकार के आप बयान दे रहे हैं, आप श्री रामचरितमानस पे बयान दे रहे हैं, कैलाश श्रीमद भागवत पे बयान देंगे, इसके बाद आप धर्म पे बयान देंगे, इसके बाद आप भगवान पे बयान देंगे, इस बार आप ईश्वर पे बयान देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में ये कह दे कि अल्लाह पे भी बयान दे दे, जैसे जीतेन्द्र नारायण सिंह त्यागी जिसको इस्लाम से नकार दिया गया, हो सकता है आने वाला बयान स्वामी प्रसाद मौर्या जी का हो जाए कि वो इस्लाम पे भी बयान दे दे। तो आज के मुसलमान को एक्टिव होकर ऐसे लोगों पे तत्काल तौर पे अपने प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई हो, ताकि किसी धर्म विशेष पर, किसी जाति विशेष पर, किसी वर्ग विशेष पर कोई अंकुश न लग सके। ठीक है, कोई और मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ा नहीं है। जाफर साहब, आप रामचरितमानस पर खुल के अपनी राय लिख रहे हैं और समर्थन में आप आते नजर मुझे आ रहे हैं, तो दो दिन पहले एक बयान भी आया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, उस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के तौर पर अगर हिंदू राष्ट्र है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा देश सनातन संस्कृति को मानने वाला देश है, हमारे देश में 100 करोड़ लोगों की आस्था सनातन के साथ जुड़ी हुई है, तो यदि हिंदू राष्ट्र कह देने से या हिंदू, क्योंकि ये देश हमारा संविधान से चल रहा है, ये देश हमारा संविधान की परिकल्पना से चलेगा, न किसी हिंदू के से चलेगा, न किसी मुसलमान से चलेगा। अगर हमारे देश के हिंदू समाज के लोगों की आस्था हिंदू राष्ट्र बनने से भी है तो उसमें किसी को कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सनातन की संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की है, तो वासुदेव कुटुंबकम सबको लेकर चलने की बात करता है। तो अगर सनातन राष्ट्र बन जाता है तो भी हमें सनातनियों से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे हिस्से हैं, हमारे पहले ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप साहब, नकवी साहब शायद पहले ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो आप इस बात के पक्ष में बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ और मौलाना और मौलवियों से बात की, उनका कहना है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, भारत कभी हिंदू राष्ट्र ना है ना होगा आगे, भारत तो सभी धर्मों का देश है। परिकल्पना लफ्ज हिंद से होती, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फलाने हमारे बहुत से देशों का विलय होता है, उससे हिंद बनता है, और हिंद से जब हिंदुस्तानियों का जहां पे परिकल्पना, जहां पे हिंदू समाज बहुतायत में होता है, उसको हिंदुस्तान की परिकल्पना दी जाती है। तो मैं सोचता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है तो वो कहीं गुरेज के लायक नहीं है, क्योंकि सनातन की संस्कृति सबको लेकर चलने का काम करती है, सनातन किसी पे कुठाराघात करने का काम नहीं करता, सनातन किसी पे विश्वास, किसी का विश्वासघात करने की शिक्षा नहीं देता। तो यदि सनातन राष्ट्र के नाम से हिंदू राष्ट्र भी बन जाता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है, और सनातन की संस्कृति कहती है, सनातन की शिक्षा कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलें, तो कोई एतराज नहीं होगा।
लेकिन सर जो कार्रवाई हुई है जो दो नेताओं पर रिचा और रोली, इन दोनों एक इसमें एक नेता है एक प्रवक्ता है, दोनों को सर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्या ये वाकई में कार्रवाई जायज है? क्या अपने जो खुल के अपने मन की बात भी कोई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी में नहीं रख सकता क्या? ये देश देखिए, सबसे बड़ी बात है ये देश संविधान से चलता है, स्पीच तो सबको है ना सर। सर मैं आपको इसका जवाब बहुत बेहतरीन, अगर आपको मौका दें तो मैं देता हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा, जहाँ सबको अपने धर्म की आस्था और धर्म के अपने अनुयायियों के अनुपालन की भी आजादी, उनके प्रचार प्रसार की भी आजादी है। और अगर श्री रामचरितमानस मैं मुसलमान होकर बोल रहा हूँ कि उस ताड़ना शब्द का कोई अर्थ कोई गलत मतलब नहीं है, तो अगर मैं मुसलमान होकर कह रहा हूँ और वो ब्राह्मण समाज से आने वाली नेत्री है और उन्होंने अगर रामचरितमानस पे किसी प्रकार का कोई कुठाराघात करने हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आते, जिनकी अपनी खुद की कोई राजनीति नहीं है, अगर वो उसमें कुठारा घात करते हो, रोली मिश्रा के हो या कोई भी ऐसा नेता हो जो अपने धर्म की आस्था की बात करता हो, जो अपने धर्म के सम्मान की बात करता हो, जो अपने धर्म की सही शिक्षा की बात करता हो, अगर उसको निकाला गया है तो ये तुगलकी फरमान, हिटलर फरमान नहीं चलेगा। आज उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया की है, आने वाले समय में जो ब्राह्मण समाज, उनके बड़े बड़े नेता ब्राह्मण समाज के आज उनके पार्टी में अपने वर्चस्व रखते हैं, क्या उनको ये तकलीफ नहीं देगा? 2024 का रिजल्ट इनके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इनको रिजल्ट मिलने वाला है कि वास्तविक तौर पे एक प्रतिक्रिया और आई है। हनुमानगढ़ी के महंत हैं, अयोध्या के महंत राजू दास, उनकी प्रतिक्रिया आई है, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी है समाजवादी पार्टी, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, आप उस चौपाई को लेकर महिला सम्मान का राग अलाप रहे हैं और आपने अपनी ही पार्टी की दो महिलाओं को निकाल दिया। बिल्कुल, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये ना सनातन विरोधी है ना ये सिर्फ मौके की तलाश में है कि इनको अपनी राजनीति कैसे सेट करनी है। आज मैंने अभी इससे पहले भी अपनी बात में कहा कि ये कभी भी इस्लाम पे भी हमला कर सकते हैं, जब इन्होंने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, कि जिस सनातन की आस्था में 100 करोड़ लोगों की आस्था है, जिस रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं, जिस रामचरितमानस की चौपाइयों का उद्घोष करते हैं, अगर आपने अपनी राजनीति के लिए श्री रामचरितमानस को नहीं छोड़ा है तो आने वाले वक्त में गीता, बाइबल, कुरान और बहुत सी किताबों पर भी आप टिप्पणी कर देंगे, क्योंकि सिर्फ आपको अपनी राजनीति चिपकानी है, सिर्फ आपको अपनी राजनीति चमकानी है और ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलना है जो धर्म विरोधी बात करते हैं। धर्म, आस्था और इस चीजों पे अगर राजनीति की जाती तो बेशक वो गलत है, क्योंकि धर्म आपकी आस्था का विषय है, धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म किसी को तकलीफ देने का विषय नहीं है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि विद्वेष भावना फैलाई जाए, कोई भी धर्म आपके खिलाफ बोलना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म किसी के खिलाफ अनैतिक कार्य करने की शिक्षा नहीं देता, तो ऐसे धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों पे कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। और यदि अभी हमारी सरकार, हमारी न्यायपालिका इस पे अगर प्रतिक्रिया तत्काल प्रभाव से नहीं करेगी तो आने वाले समय में ये एक विस्फोटक नहीं, क्या ये कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान लगता है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का या स्वामी प्रसाद मौर्य का, कि इस तरह के बयान देने से आप सुर्खियों में आइए, आप मुस्लिम मतदाताओं के वोट बटोरिए, आप दलितों के वोट बटोरिए, आप महिलाओं के वोट बटोरिए, क्योंकि आप लगातार इस तरह की बात कह रहे हैं कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हम दलितों की आज़ादी की उनके सम्मान की बात करते हैं, तो आपने चौपाई को एक मोहरा बनाया और आप आगे मैदान में। देखिए मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि दे डोंट हैव एनीथिंग इन फील्ड, अब उनपे कुछ बचा नहीं है करने के लिए, क्योंकि उनको लोग समझ चुके हैं कि उनको जब मौके मिले, उनको जब विकास का मौका मिला, उनको जब देश के विकास का मौका मिला, आपको अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के भी मामले याद है कि उस पर कितनी चीजें कितनी प्रतिक्रिया आई, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप को हिंदू विरोधी दिखा के मुस्लिम सपोर्टिंग दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं सोचा। आज मैं मुसलमान हो के अगर अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहा हूं तो उसके पीछे प्रतिक्रिया यही है कि जब आपके पास मुसलमानों की रहबरी का मौका था, जब आपके पास मुसलमानों के विकास का मौका था, तब ना शिक्षा पे बात हुई, ना आवास पे बात हुई, ना विकास पे बात हुई, आज आप कैसे मुसलमान, आज आप सनातन विरोधी बनकर कुछ समाज के लोगों को अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेंगे? इसने आप उल्टा जो बेचारे अशिक्षित हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का अनुवाद नहीं समझा, जिन्होंने चीजों का तात्पर्य नहीं समझा, वो आपको कुछ वोट दे देंगे तो आप 10 सीट पे तब भी महदूद रहेंगे, क्योंकि आने वाली लोकसभा चुनाव के लिए आपकी सारी तैयारियां हैं और ये विफल होने वाली है और समाजवादी पार्टी मुंह की खाने वाली है, क्योंकि ये वो समय है कि जब आपने देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। नहीं मतलब आप ये मान रहे हैं कि इसका सीधा सीधा खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 में समाजवादी पार्टी? बिल्कुल यकीनन इनको खामियाजा भुगतना है और बड़ा खामियाजा भुगतना है, क्योंकि इनकी जो प्रतिक्रिया धर्म विशेष, सनातन के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ,
उपनिषदों के खिलाफ, वेदों के खिलाफ जो पार्टी बोल रही है, क्या 100 करोड़ लोगों के वोट की आप हकदार है? मुसलमान तो पैसे भी आपको ठुकराया हुआ है, मुसलमान ने आपको बहुत बार मौका दिया, मुसलमान ने एक तरफा आपको वोट दिया, आपने मुसलमानों के लिए तो आज तक कुछ ना किया। आप जो है जिस सनातन के लोग समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया जिंदाबाद करते थे, जो अखिलेश भैया की जय जयकार करते थे, आप अखिलेश भैया की जय जयकार करने वाले लोगों की भी कमी हो जाएगी। मुसलमान तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी को कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मुसलमानों को लगा कि अगर उनकी कोई सुरक्षा कर सकता है, मुसलमानों को लगा अगर उनका कोई विकास कर सकता है, मुसलमानों को लगा अगर उनकी कोई शिक्षा पे, औद्योगिक विकास पे, किसी भी चीज पे, अगर कोई महिला सशक्तिकरण पे अगर कोई बात करने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। तो मुसलमान तो पहले ही ठुकरा चुका है, और आने वाले समय में सनातनियों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि सनातनियों इनको ठुकरा दीजिए, क्योंकि ये सनातन विरोधी बात करते हैं। आज ये हमारे धर्म पे है, कल आपके धर्म पे होंगे, कल किसी और मुद्दे को लेकर, कल ये संविधान में बदलाव की बात करने लगे, आज ये चौपाइयों पर बात करें, कल ये कह देंगे। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका शिशिर जी। धन्यवाद सर। सर, सनातन विरोधी बताया जा रहा है अखिलेश यादव को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के दो नेताओं को, दो महिला नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कसूर सिर्फ इतना था कि रामचरितमानस की जिस चौपाई का विरोध कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका विरोध उन्होंने ट्विटर पर कर दिया। जी देखिए, लगातार जिस प्रकार से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। तो जब हम लोग ने पहले हिंदुवाद सभा ने प्रदर्शन किया था रामचरितमानस के मामले को लेकर के, FIR कराई, उसके बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एक सम्मानित नेता अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। लगातार 3-4 दिन ऐसा चला, उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्वामी जी का प्रमोशन कर दिया, उससे गलत मैसेज गया। उसके बाद क्या हुआ, हिंदुओं में ये बात फैल गई कि ये जो है लगातार सनातन के खिलाफ काम करने वालों के हाथ रख रहे। तो उसके बाद ये जब वहां पर माँ पीतांबरा देवी के यज्ञ में गए तो अखिलेश जी के साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने, हिंदुवादियों ने अभद्रता कर दी, इनके सुरक्षा कर्मियों को वहां पर उल्टे पाँव भागना पड़ा, जूता छोड़ के भागे, और भागने के बाद वहां पर अखिलेश जी ने उल्टी परिक्रमा तक की। उसके बाद यहाँ तक नहीं रुका मामला, फिर इन्होंने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया स्वामी जी को, फिर गलत मैसेज दिया, अब विनाश काले विपरीत बुद्धि आगे फिर गलत करते जा रहे हैं। अब इन्होंने रोली मिश्रा जी को निकाल दिया और एक और मैडम है उनको निकाल दिया। तो लगातार ये सवर्णों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाइयां कर रही है समाजवादी पार्टी अखिलेश जी, तो ये वाकई में इनका जन आधार और कमजोर होता चला जा रहा है। अखिलेश जी को चाहिए तत्काल स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को लो, जो जातियों के नाम पर हिंदू समाज को, स्वामी प्रसाद मौर्य पर तो कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं वो, स्वामी प्रसाद मौर्य के बदले तो जो स्वामी का विरोध कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर दी जा रही है। वो तो खुद उन्होंने संदेश दे दिया कि देखिए स्वामी के विरोध में अगर आप कुछ बोले तो जो अश्र हुआ है रक्षा का और रोली का वही होगा। देखिए जब रावण ने सीता हरण किया रावण जी ने, तो उसके बाद क्या हुआ था, तमाम लोगों ने उनको समझाया, सद्बुद्धि दी के मान जाओ, ऐसा काम ना तो प्रभु है, लेकिन वो नहीं माने। तो वही हाल अखिलेश जी का, उनके तमाम समर्थक उनको समझा रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि ये गलत है, पूरे जातियों से दुश्मनी लेना उचित नहीं है, बहुत से ब्राह्मण, बहुत से क्षत्रिय, बहुत से कायर, इनका सभा वर्ग इनसे समर्थन करता है। ठीक है सर, समय मेरे पास नहीं है, बहुत शुक्रिया शिशिर चतुर्वेदी जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। जाफर नकवी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना है।